जब उन्होंने परीक्षित को मारने के लिए मां के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो भगवान कृष्ण को इतना क्रोध आया, भगवान कृष्ण ने परीक्षित को बचा तो लिया लेकिन अश्वत्थामा को श्राप दे दिया था भगवान ने, उसकी मणि मणि वो छीन ली और श्राप दे दिया था कि तू जिंदगी भर यानी हमेशा ऐसे ही भटकता रहेगा, ऐसे ही भटकता रहे, क्योंकि वो जो मणि माथे से उसके से खींची तो उसके माथे में घाव हो गया, तो भगवान ने श्राप भी ऐसा दिया कि ये घाव कभी भरेगा नहीं और तू ऐसे ही पीड़ा में घूमता रहेगा। क्यों? क्योंकि तूने गर्भ में एक बालक को मारने का षड्यंत्र किया, पाप किया, ये पाप क्षमा के योग्य है ही नहीं, ये पाप क्षमा के योग्य नहीं। भगवान कहते हैं जो गर्भ के अंदर बच्चे को मार देते हैं, गर्भ के अंदर, ये महापाप। एक दौर चला था कुछ समय पहले, एक दौर ऐसा आया था हमारे देश में कि वो चेक कराते थे लड़का है कि लड़की, गर्भ के अंदर चेक कराते थे और लड़की होती थी तो उसको मार देते। यही तो पाप है जो अश्वत्थामा ने किया, जिसकी माफी नहीं है, यही तो महापाप है, इसकी क्षमा नहीं है वहां। और पाप ऐसे हैं तुम प्रायश्चित कर सकते हो, कर लोगे उपायों से, शास्त्रों में उपाय भी लिखे हैं, हर पाप के प्रायश्चित भी लिखे, लेकिन ये कुछ पाप ऐसे जिनका प्रायश्चित नहीं होता, कुछ पापों का प्रायश्चित, जो मां के गर्भ में बच्चे को मारने का प्लान बनाते हैं वो पाप कभी उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता। दूसरा पाप बताया जो भाई भाई की संपत्ति हड़प लेता है उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता। सगा भाई अपने सगे भाई की संपत्ति को दबा लेता है, कब्जा कर लेता है, षड्यंत्र से कैसे भी करके उसको छीन लेता है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता। और तीसरा पाप बताया जीते जी बच्चा यानी जीते जी बेटा अपने मां बाप को घर से बाहर निकाल देता है या वृद्धा आश्रम में डाल देता है या ढकेल देता है, उस पाप का भी कोई प्रायश्चित नहीं होता। ये तीन पाप ऐसे हैं जिनका कोई प्रायश्चित नहीं, जो भगवान का रूप मां बाप होते हैं, भगवान का रूप। आपको पता है जितने भी संसार में नाम है ना, जैसे पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र, मामा भांजा, बेटा बेटी, सबके नाम से पहले तुम देखो वो पुरुष का पहले आता है और स्त्री का बाद में आता है। जैसे मामा भांजा, पिता पुत्र, क्या क्या बताए थे मैंने बोलो, भाई बहन, पति पत्नी, हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ, मुझे याद नहीं है, हैं? और भाई बहन ऐसे ही बोलते हैं ना, लेकिन एक जोड़ा ऐसा है जिसमें पहले स्त्री का नाम आता है, माता पिता। अच्छा इनका क्यों आता है, मां बाप, बाकी जितने भी रिश्ते हैं पहले पुरुष बाद में स्त्री, और इसमें मां बाप में पहले मां फिर बाप। अब भगवान के नाम लेना जरा, गौरी शंकर, सीता राम, राधे श्याम, और कौन है, लक्ष्मी नारायण, इनमें सब में किसका है पहले, तो मां बाप का ही नाम भगवान के साथ में क्यों जोड़ा है बताओ। वहां भी पहले मां का है बाद में पिता का, और यहां भी पहले मां का है बाद में पिता का, बाकी के सब पुरुष पहले स्त्री बाद में, यहां स्त्री पहले पुरुष बाद में। इसलिए भाई मां बाप और भगवान में कोई अंतर नहीं है, मां बाप में
और भगवान में, और लोग उन्हीं को, और पता है ऐसा काम कौन करते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, लोग कहते हैं हाई सोसाइटी है। काय की सोसाइटी है, इसको सोसाइटी कहते हो हाई, इससे नीच कोई सोसाइटी नहीं। मां बाप को बताओ धकेल देते हैं, धकेल देते हैं जीते जी, तीन पापों का कोई प्रायश्चित बताया नहीं। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो और जोर से बोलो।